वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस पर जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस पे, राइट। सो अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और आपको विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ ये बताना है कि वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स और दे आर पैरेलल लाइन्स और दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। सो हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेट्स डू दैट। नाउ सबसे पहले आपको मालूम है कि जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की, दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ मैं वन इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन। नाउ सेकेंड लीनियर इक्वेशन को आई एम राइटिंग ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। सो ए वन क्या है यहाँ पे, ए वन जो है दैट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड बी वन इज द कोफिशियंट ऑफ वाई। Similarly, a2 is the coefficient of x for second linear equation and b2 is the coefficient of y for second linear equation. So, आपको pair of linear equations given होगा. So, अब देखते हैं, हमारे पास एक table है, ये आपको NCERT में मिल जाएगा. इसमें देखिए, आपको अगर चार values पता है, a1, a2, b1, b2 and दो और values है, c1, c2. So, आप easily find out कर सकते हैं कि जो graphical representation होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल लाइंस होगा, राइट। सो कैसे करेंगे ये, तो उसके लिए पहले हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। जैसे फर्स्ट केस हम देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। सो आप ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू की रेशियो देखिए, अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सैटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। सो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 5x plus 4y plus 8 is equal to 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 7x plus 6y minus 9 equals to 0. अब यहाँ पे a1 हमारा है 5, a2 है 7, b1 is 4 and b2 is 6, c1 is 8 and c2 is 9. अब इसमें हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। a1 upon a2 आपके पास क्या हो गया, a1 upon a2 should not be equal to B1 upon B2. So A1 आपके पास है 5, A2 आपके पास है 7, B1 आपके पास है 4 and B2 आपके पास है 6. तो क्या ये equal है? No, they are not equal. That means हमारा first condition आप देखोगे, first condition है, that means जो ये solution होगा इसका, that would be intersecting lines. So आपको जब आप इसका graph draw करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। इट ऑल्सो मीन्स एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे, इट ऑल्सो मीन्स दैट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा इसका, यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, वी हैव 9x plus 3y plus 12 equals to 0 एंड 18x plus 6y plus 24 equals to 0. ये दो इक्वेशन है। यहाँ पे a1 हमारे पास है 9, A2 is 18, B1 is 3, B2 is 6, C1 and C2 values are also given to you. Now let's check the ratios. A1 हमारे पास है 9, A2 है 18. Second ratio हम B1 upon B2 की लिखते हैं, which is 3 upon 6. And third ratio हम C1 upon C2 की लिखते हैं. तो C1 यहाँ पे क्या है, 12 upon 24. Now जब आप देखेंगे इनको कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, यू विल गेट 1/2, हेयर ऑल्सो यू विल गेट 1/2, हेयर ऑल्सो यू विल गेट 1/2. दैट मीन्स ये जो तीनों रेशियोज आपके पास आई है, ये तीनों रेशियोज इक्वल है, राइट। सो अब सेकेंड केस जो हमारा था, विच वॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वो केस है। सो यहाँ पे दैट मीन्स जो लाइन है दैट वुड बी को इंसिडेंट लाइन्स, राइट। That means infinitely many solution. So similarly, आपको third case भी check करना होगा। अगर आपके third case में, मतलब जब आप equation solve कर रहे हैं और इसी तरीके से ratio find out कर रहे हैं, but उसमें आपको first two ratios जो है, a1 upon a2 की जो value आ रही है, ratio आ रही है, वो b1 upon b2 के equal है, but c1 upon c2 के equal नहीं है, then that means कि जो लाइंस होंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। एंड अगर हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे, दैट मींस उसका देयर वोंट बी एनी सॉल्यूशन टू इट, नो सॉल्यूशन, राइट। सो ये जो हमने टेबल लिया है, ये टेबल हमारा एनसीईआरटी से ही है।